आज हम मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसमें स्प्रिंग, डैम्पर, नर्शिया और इनके साथ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सर्किट्स को डिफरेंट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि गियर रेशो क्या चीज़ होती है। मैकेनिकल सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक ट्रांसलेशनल सिस्टम होता है, एक रोटेशनल सिस्टम होता है। ट्रांसलेशनल जो सिंपल हमारी जो मूवमेंट होती है, जैसे हम वॉक कर रहे हैं ना, एक्स मीटर्स में है, वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड में है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और फोर्स है। रोटेशनल सिस्टम के अंदर हमारे जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एंगल की फॉर्म में होती है, थीटा की फॉर्म में होती है, ठीक है, रेडियंस में। इसी तरह हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो रेडियन पर सेकंड में होती है और एक्सेलरेशन पर सेकंड स्क्वायर में होता है, और एंगुलर में हमारे पास इनर्शिया होता है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एम को यहाँ से इनर्शिया से हमने रिप्लेस कर दिया तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हम, देखें इनर्शिया के लिए टी इज इक्वल टू जे इंटू ए, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है और वेलोसिटी एंगल का डेरिवेटिव होती है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी का फिर दोबारा डेरिवेटिव हो गया, तो सेकेंड डेरिवेटिव है जो हमारा जे है, इसके साथ थीटा के लिहाज से अगर चेक किया जाए, ठीक है। टी इज इक्वल टू जे इंटू डी थीटा बाई डी टी स्केयर, तो अगर इसी का हम लैपलास ले लें तो जे एस स्केयर थीटा एस। इसी तरह स्प्रिंग की बात करें तो टी इज इक्वल टू के इंटू थीटा, ठीक है, सिंपली के इंटू थीटा। अब फ्रिक्शन की बात करें तो टी इज इक्वल टू बी इंटू डी थीटा बाई डी टी, या अगर लैपलास लें इसका, टी एफ एस इज इक्वल टू बी एस इंटू थीटा एफ एस, ठीक है। ये सिंपल थीटा होता है, ये बी एफ एस होता है, ये जे एस स्क्वायर होता है, यानी कि ये जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये सेकेंड ऑर्डर है। अब देखें अगर यहाँ का और यहाँ के एंगल में फ़र्क है तो फाइनल वाले से इनिशियल वाला माइनस कर देंगे, तो यहाँ वही लिख दे, टी इज इक्वल टू के इंटू थीटा होता है, तो फाइनल वाला थीटा वन है, इनिशियल वाला थीटा टू है, तो फाइनल वाले में से इनिशियल वाला माइनस कर देते हैं। अब थीटा वन थीटा टू उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, के इक्वल बनेगा। इसी तरह अगर डैम्पर की बात करें तो यहाँ पर अगर थीटा टू है अगर थीटा वन है तो दोनों माइनस कर देंगे, थीटा वन का डेरिवेटिव माइनस थीटा टू का डेरिवेटिव। इसका लैपलास ले लेंगे तो एस फाइव वन ऑफ एस, एस फाइव टू ऑफ एस, दोनों में से एस कॉमन ले लेंगे तो फाइव वन माइनस फाइव टू दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सी की जगह डी लिखा होता तो हम डी ऑफ एस लिखते, ठीक है, डैम्पर के लिए। जैसे यहाँ जे लिखा हुआ है, जे डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, इनर्शिया की जगह इस पर निकाल लीजिएगा। सारों को समराइज करते हैं, स्प्रिंग क्या है, डैम्पर है, इनर्शिया ना। स्प्रिंग के लिए सिंपल के है, के थीटा है, डैम्पर के लिए डी थीटा बाई डी टी है, जब उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो उससे डी एस आ जाएगा। इसी तरह डैम्पर के इनर्शिया के लिए थीटा स्केयर बाई डी टी स्केयर है तो जे एस स्केयर आ गया। अब देखें ये एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखें यहाँ पे टार्क अप्लाई हो रहा है, ये देखें यहाँ पे टार्क अप्लाई हो रहा है, तो इनपुट में क्या, इनपुट किसके इक्वल है, टार्क। अब दूसरी जगह देखें यहाँ पे कोई इनपुट नहीं अप्लाई हो रही, तो इन यहाँ पे इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, ज़ीरो, ठीक है। अब देखें ये है हमारा डैम्पर है, डैम्पर के लिए क्या इक्वेशन होती है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, तो डी वन इंटू एस लिखिए, ठीक है। मास के लिए इनर्शिया के लिए सेकंड ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे जे वन इंटू एस के लिखिए। अब साथ में स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो है वो कॉमन है थीटा वन और थीटा टू के बीच में ना, देखा ये कॉमन है, तो थीटा वन के साथ इसको पॉजिटिव कर दिया और थीटा टू उसके साथ इसको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, यानी कि के इंटू थीटा वन, अब ओरिजिनल रेफरेंस ये होगा थीटा वन माइनस थीटा टू। अब जब यहाँ पे इसको रेफरेंस लेंगे
तो तब लिखेंगे थीटा टू माइनस थीटा वन, जैसे आप नोडल में करते थे ना। अब इसी तरह दूसरे इस जगह पे आए तो ये डैम्पर है, एक डैम्पर के साथ फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है, एक इनर्शिया के साथ फर्स्ट ऑर्डर हो गया, और ये स्प्रिंग देखिए कॉमन जो था। अब थीटा टू के साथ इसको हमने पॉजिटिव करके लिख दिया और थीटा वन के साथ इसको नेगेटिव करके लिख दिया। तो जिस लूप में हम होते हैं या जिस जगह पे हम खड़े होते हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, दूसरे वाले को हम नेगेटिव ले लेते हैं। इसी तरह ये देखें यहाँ पे टार्क अप्लाई हो रहा है। अब एक दो और तीन इक्वेशन इसमें बनेंगे, सही देखें ना। एक ये एंगल है थीटा वन है, यहाँ पे थीटा टू है, यहाँ पे थीटा थ्री है। अब देखें इस पहले वाले की जगह टी एफ एस आ जाएगा जो अप्लाई हो रहा है, दूसरे वाले के इस मास के ऊपर जो है, देखें ना इस मास की बात करें, टार्क अप्लाई हो रहा है, इस मार्क के यहाँ पे ज़ीरो आ गया, तीसरे वाले केस में भी इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब देखें इसके ऊपर देखें, एक मास है, एक डैम्पर है और एक स्प्रिंग है, एक मास, एक डैम्पर और एक स्प्रिंग थीटा वन के साथ। अब देखें स्प्रिंग जो है वो कॉमन लग गया थीटा टू के साथ, तो थीटा टू में से हमने स्प्रिंग माइनस कर दिया। थीटा थ्री देखिए, थीटा वन और थीटा थ्री में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये ज़ीरो कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई। अगर आप इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते तो भी सही है, लेकिन ये हमने ना एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉर्म में बनाने के लिए लिखा है। इसी तरह थीटा टू की बात करते हैं, देखिए थीटा टू में एक डैम्पर है, एक इनर्शिया और एक स्प्रिंग है। इनर्शिया, डैम्पर और स्प्रिंग तीनों लिख लिए हैं। अब देखें जो कॉमन है थीटा वन के साथ वो स्प्रिंग है, तो थीटा वन के साथ स्प्रिंग माइनस कर दिया। थीटा टू के साथ जो कॉमन है वो डैम्पर है ना, ये डैम्पर थीटा टू एस, थीटा डैम्पर के साथ एस होता है, इसके साथ एस केयर होता है और इसके साथ सिंपली के होता है, के इंटू थीटा जे एस केयर इंटू थीटा डी एस इंटू थीटा, ठीक है। अब तीसरे वाले की देखें, देखें तीसरे वाले में एक दो एक 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 इनर्शिया है, एक इनर्शिया एस केयर के साथ आ गया, एक डैम्पर, दो डैम्पर डी टू और डी थ्री है, ठीक है। ये देखें थीटा वन के साथ, थीटा थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब थीटा वन का और थीटा थ्री का कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया, ठीक है, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीज़ हमारे यहाँ ऊपर भी एक दफ़ा लिखी। अब थीटा वन, थीटा टू और थीटा थ्री के बीच में एक डैम्पर है, तो वो उसको हमने थीटा टू के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर। इसी तरह एक दो सर्किट बनाते हैं। अब देखें ये एक एंगल है, यहाँ पे देखें टार्क अप्लाई हो रहा है, जो टार्क अप्लाई हो रहा है पहले वाले थीटा और दूसरे वाले थीटा के बीच में एक स्प्रिंग है, ठीक, पहले टार्क अप्लाई हुआ, ये थीटा वन है, थीटा वन और थीटा टू के साथ क्या है स्प्रिंग है, आगे क्या है मास है ना, आगे क्या है मास लगी हुई। अब इस मास और इस मास के बीच में ये बी क्या है फ्रिक्शन है, ये देखें इस मास और इस मास के बीच में ये फ्रिक्शन लगा दें, ठीक है। अब ये वाली मास के साथ एक और क्या लगा हुआ स्प्रिंग लगा, मास के साथ एक स्प्रिंग लगा। अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे, अब अगर आप जहाँ से लिख लें या वहाँ से लिख लें कि मतलब है। अब यहाँ पे टी है, टी इज इक्वल टू के इंटू थीटा वन, के वन इंटू थीटा वन माइनस के वन इंटू थीटा टू, क्योंकि दूसरे वाला माइनस हो जाएगा। अब जब यहाँ पे खड़े होंगे तो जे देखें जे वन एस केयर, जे वन एस केयर इंटू थीटा टू प्लस बी वन एस इंटू थीटा टू प्लस के वन इंटू थीटा टू, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के वन इंटू थीटा वन बी वन एस इंटू थीटा थ्री, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। इस तरह इस जगह पे खड़े हों तो जे वन एस जे टू एस इंटू थीटा थ्री, जे टू एस केयर के साथ थीटा थ्री, के टू के साथ थीटा और बी वन एस के साथ थीटा थ्री, और साथ में माइनस आ जाएगा बी वन एस के साथ थीटा टू, क्योंकि ये दोनों थीटा वन और थीटा टू इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कॉमन है। अगर आप यहाँ से भी खड़े होकर लिखें तो भी वही इक्वेशन बनती है।
जैसे हम नोडल में लिखते थे। अच्छा, अब पिछले वाले एग्जांपल में हमने यहाँ ज़मीन की फ्रिक्शन नहीं ली, ठीक है, इस ज़मीन के साथ जो उसकी फ्रिक्शन है वो नहीं ली। अगर वो वाली फ्रिक्शन भी ले लें, ठीक है, इसको बी वन कर दिया, इसको बी थ्री कर दिया, तो यहाँ पे हमने बी वन साथ में लगा दी, यहाँ पे बी थ्री लगा दी, इस मास के साथ, इनर्शिया के साथ, सॉरी इनर्शिया के साथ एक बी वन है यानी कि इसका फ्रिक्शन है, इसी तरह इस इनर्शिया के साथ एक फ्रिक्शन है जो बी थ्री है। अगर ये फ्रिक्शन लेस होगा, जैसे पिछले केस में गिवन था फ्रिक्शन लेस है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन जब इसका फ्रिक्शन दिया होगा तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे। इसी तरह गियर की बात करें, देखें गियर में हम क्या करते हैं, एक बड़े गियर से दूसरे वाला चला रहे होते हैं, जैसे गियर ए है, गियर बी है, सी डी आपस में चला रहे होते हैं। अब देखें इसको हम ड्राइवर कहते हैं, इसको हम फॉलोअर कहते हैं। अगर इसके 24 दाने हैं, ठीक है, मतलब एक टर्न में 24 दफ़ा यहाँ से घूमता है, तो ये इसके 8 हैं, इसका मतलब इसका हर एक टर्न इसको 3 दफ़ा घुमा दे, 3:1 रेशो है इसके 24 है ना, तो मतलब जब तीसरा हिस्सा इसका घूमेगा तो ये एक दफ़ा पूरा घूम जाएगा, जब इसके 16 घूमेंगे तो ये 2 दफ़ा घूम जाएगा, जब उसके 24 दाने यहाँ पे आएंगे तो ये 3 दफ़ा घूम जाएगा। तो इसी को हम ट्रांसफार्मर की तरह, जैसे फार्मूला नहीं होता के वन थीटा वन इज इक्वल टू एन वन थीटा वन इज इक्वल टू एन टू थीटा टू, जैसे पिछले केस में यहाँ पे 24 था, 24 इंटू वन इज इक्वल टू 8 इंटू थ्री, तो इस तरह हम इसकी भी इक्वेशन निकाल सकते हैं।